सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर गेमिंग। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप लोग जो अनेबल कर सकते हो न्यू कंट्रोल्स को अपने माइनक्राफ्ट पोजीशन में। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, मेरे पास जो है अभी ये कंट्रोल्स अनेबल है एंड आप भी अनेबल कर सकते हो। अगर जो आप वीडियो शुरू से एंड तक वॉच करते हो तो आप भी जो इन कंट्रोल्स को अनेबल कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पोजीशन में। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप लोग जो है अनेबल कर सकते हो इस वाले कंट्रोल्स को अपने माइनक्राफ्ट पोजीशन में। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है क्विक एडिट। जैसे क्विक एडिट सर्च करेंगे तो नीचे आपको क्विक टेस्ट एडिटर की एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है, इसको जो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर जो इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा क्विक एडिट टेस्ट एडिटर एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर आपने ओपन पर क्लिक करना है, इसको जो यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर जो आपको ये परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर जो आपने अलाउ पर क्लिक करना है, इसको जो परमिशन दे देनी है। जैसे अलाउ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सो फिर आपने जो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है, इसमें हमने चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपने एंड्रॉइड वाले फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पर देखो, इस वाले एंड्रॉइड फोल्डर में आपने नहीं जाना है। यहाँ पर जो नीचे ये वाला एंड्रॉइड फोल्डर है ना, इसमें आपने चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपने जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपने जो चले जाना है काउंटर मोजैंग माइंड का पी वाले फोल्डर में। यहाँ पर जो काउंटर मोजैंग माइंड का पी वाले फोल्डर में चला जाता हूँ। सो यहाँ पर जो मुझे काउंटर मोजैंग माइंड का पी वाला फोल्डर मिल चुका है, इसमें मैं चले जाता हूँ। जैसे इसमें जाऊंगा तो यहाँ पर मैं जाऊंगा फाइल्स में, गेम्स में, काउंटर मोजैंग एंड काउंटर मोजैंग में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको नीचे जो ये वाला फोल्डर दिख रहा है ना माइंड का पी, इसमें आपने चले जाना है। जैसे इस फोल्डर में आते हो तो यहाँ पर जो आपको चार डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने ऑप्शन डॉट टी एक्स टी जो है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने नीचे जो यहाँ पर रोल नंबर पे ऑप्शन है न्यू कंट्रोल्स का, इसमें आपने जाना है। जो लास्ट में जीरो लिखा हुआ है इसको आपने जो है मिटा के यहाँ पर आपने लिख लेना है वन। एंड वन लिखने के बाद यहाँ पर जो आपने सेव कर देना है। जैसे सेव कर लेते हो आपके पास कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा, सेव इट सक्सेसफुली। जैसे ये लिखा था तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पर एग्जिट कर देना है सेव को। जैसे एग्जिट कर लेते हो तो यहाँ पर आप आ जाना है होम पेज पे। एंड होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट को जो यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैंने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लिया है, यहाँ पर जो ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। सो ये लोड हो जाए फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। सो हमारा माइनक्राफ्ट जो यहाँ पर लोड हो चुका है, जैसे लोड होता है तो यहाँ पर आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने टच वाले ऑप्शन में जाना है। एंड टच वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले जो हमारा एक्ट्रेशन मोड जो है नहीं आ रहा था वो अभी आ चुका है, क्योंकि हमने जो है वहाँ पर जीरो था तो वन लगाया, तो इसकी वजह से हमारा जो न्यू कंट्रोल थे वो यहाँ पर एट हो चुके हैं। यहाँ पर जो आप कोई सा भी कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कर्सर जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हमारे कंट्रोल जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ। यहाँ पर जो मैं न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ तो ताकि मैं आपको दिखा सकूँ वो कंट्रोल सेट हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। एंड यहाँ पर जो ये लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये लोड जो है फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, फिर आप देखना कि हमारे कंट्रोल जो है यहाँ पर एड हुए हैं कि नहीं। सो हमारा वर्ल्ड जो है यहाँ पर लोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे न्यू कंट्रोल जो है यहाँ पर अनेबल हो चुके हैं। एंड यहाँ पर जो है इस कंट्रोल से मैं स्मूथली माइनक्राफ्ट को प्ले कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर इस ट्री को मैं कट करके देख लेता हूँ कि जो कंट्रोल है वो यहाँ पर सही से वर्क कर रहे कि नहीं। तो यहाँ पर जो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर जो इसको मैंने तोड़ दिया। एंड भाई ये तो कतई जहर वाले यहाँ पर जो है वर्क कर रहे हैं। एंड भाई यहाँ पर जो है मैं क्रिएटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं जो है आपको दिखा सकूँ ये कंट्रोल जो यहाँ पर मूड एंड कैसे जो ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्रिएटिव सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर देखो ये कितने ज्यादा अच्छे हैं कंट्रोल, इससे जो है यहाँ पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है क्रिएटिव में। एंड भाई यहाँ पर जो इसकी जॉयस्टिक है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो यहाँ पर स्मूथलेस है। एंड इससे जो यहाँ पर आप आगे पीछे हो सकते हो, मैं मूव हो सकते हो, एंड कितना ज्यादा स्मूथ है आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पर जो हमने न्यू कंट्रोल्स को जो यहाँ पर आने पर करी है। सो गाइस आपको आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना। एंड अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाना। सो गाइस मैं मिलता हूं माइनक्राफ्ट की ऐसे मदद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।